खेसारी लाल यादव की पत्नी ने नसीहत दी खेसारी लाल यादव को पवन सिंह जैसा बनने की। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जब ये खबर हमारे पास भी आई तो हम भी चौंक गए। आपको बता दें कि पवन सिंह ने तो अक्षरा सिंह से सारा नाता रिश्ता तोड़ लिया है, लेकिन वहीं खेसारी लाल यादव ने अब हर नाता अक्षरा सिंह से जोड़ना शुरू कर दिया है। भले ही खेसारी लाल यादव लोगों को ये चीख चीख के कह रहे हों कि अक्षरा सिंह से उनका नाता और रिश्ता सिर्फ प्रोफेशनली है, पर्सनली कुछ नहीं, लेकिन इस बात पर विश्वास लोगों को बहुत कम ही हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से इनके पुराने प्रेम के किस्से हैं उसे देख कर यही लग रहा है कि कहीं खेसारी लाल यादव को फिर से अक्षरा सिंह से गहरा लगाव तो नहीं हो गया है। इसीलिए खेसारी की पत्नी ने खेसारी को सख्त हिदायत दे दी है कि वो पवन सिंह जैसा बने। कि जैसा पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने पवन सिंह को मना किया कि वो अक्षरा सिंह के साथ सारे प्रोजेक्ट जिनमें वो काम कर रहे हैं उन्हें कैंसिल कर दें, तो पवन सिंह ने भी बगैर कुछ सोचे समझे अक्षरा सिंह को अपनी सारी फिल्मों से निकलवा दिया। उनकी जगह पे सारी नई हीरोइनों के साथ वो काम कर रहे हैं, लेकिन अब अक्षरा सिंह के साथ पवन सिंह का कोई लेना देना नहीं है। ठीक, खेसारी की पत्नी भी वही चाहती है कि खेसारी भी अक्षरा सिंह के साथ कोई रिश्ता न रखे और ना ही बलम जी आई लव यू में उनके साथ किए हुए आइटम नंबर को वो प्रमोट करें। लेकिन खेसारी है कि अक्षरा के सामने अपनी पत्नी की सुनने को तैयार ही नहीं है। यहाँ तक कि खेसारी लाल यादव ने अक्षरा सिंह के साथ एक फिल्म बबुआ बवाली भी साइन कर ली है, जिसकी शूटिंग जल्द ही शुरू होने वाली है। और अक्षरा सिंह के साथ बीते सालों में उनके रिश्ते को लेकर उनकी पत्नी की चिंताएं जायज हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि खेसारी लाल यादव अपनी पत्नी की सुनते हैं या फिर अक्षरा के साथ उनकी आने वाली फिल्म में काम करते हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।